अमृतपाल सिंह नूं लेके अज हाई कोर्ट च सुनवाई हुई है ते दसदे ए पिटीशन दे आधार ते सुनवाई हुई है। अमृतपाल दे वकील दे वल्लों पिटीशन दायर कीती जांदी है जिस तों बाद अज जिहड़ा सुनवाई हुई है। इस सुनवाई दे विच पंजाब सरकार दे कोलों जवाब मंगिया गया सी कि अमृतपाल सिंह दी जो मामला है वह कित्थे तक पहुंचिया, अमृतपाल सिंह दी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, क्योंकि वड्डे सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमृतपाल दे समर्थकां दे वल्लों कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन दस दें कि हुण पंजाब सरकार दे वकील एडवोकेट जनरल दे वल्लों जवाब दिता जांदा है। सुनवाई दौरान उन्होंने वल्लों कहा गया कि असी अमृतपाल सिंह दे बहुत नज़दीक आ, लेकिन हले तक अमृतपाल की गिरफ्तारी जिहड़ी है वह नहीं हुई। लेकिन दूजे पासे की गल करदे आ तो अमृतपाल दे वकील दे वल्लों लगातार एक खदशा जताया जा रहा है कि वह पुलिस की गिरफ्त दे विच है, पुलिस थाने दे विच बंद है, तो उत्थे ही कोर्ट दे वल्लों हुण सबूत मंगे गए ने। जी हाँ, कोर्ट दे वल्लों अमृतपाल दे वकील नूं इह कहा जा रहा है कि जेकर तुहानूं लगता है कि अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त दे विच है तो कोई सबूत लेके आओ, तो उस तो बाद जिहड़ा कार्रवाई की जाएगी। तो हुण दस दे कि अज सुनवाई सी, तो सुनवाई दे विच वड्डे खुलासे जिहड़े ने ओह एडवोकेट जनरल दे वल्लों किए गए ने, यानी कि पंजाब सरकार दे वकील दे वल्लों वड्डे खुलासे किए गए ने। उन्हां दे वल्लों कहा गया कि हले तक अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त दे विचों बाहर है, 11 दिन हो चुके ने, हले तक जिहड़ा है वह फरार चल रहा है। यानी कि समर्थकों का जिथे समर्थकों के वलों कहा जा रहा है अमृतपाल दे की गिरफ्त दे विच है, लेकिन उसनू नकारते हुए अमृतपाल दे वकील का भी कहना है कि वह गिरफ्त दे विच है, लेकिन इस सब चीज़ों नू इस सब गल्लां नू नकारते हुए पंजाब सरकार दे वकील दे वलों ये साफ कर दिता गया है कि अमृतपाल जिहड़ा हले तक गिरफ्त दे विच नहीं है, तो उसकी भाल हले भी की जा रही है। तो पंजाब पुलिस जिहड़ी है वह हले बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो होर की कुछ गल्लां वकील दे वल्लों कही गई ने अमृतपाल दे वकील दे वल्लों, वह भी तुसी सुन सकते हो। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट दे विच, ते जो पंजाब सरकार वाले पासों जो एडवोकेट जनरल साहब पेश होए सी, ते जो एमिकस क्यूरी जज साहब ने जिन्हां दी ड्यूटी लाई सी, तनु बेदी मैम जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट होंदे ने वह पेश होए सी, ते मैं बीइंग द पटिशनर ते मेरे जो वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वह पेश होए सी, तो उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने गल रखी भी जो भाई अमृतपाल सिंह की अरैसट नहीं हुई है जी, तो उन्होंने ये भी गल रखी भी जो साड़ियां एजेंसियां दे नाल जो पूरा कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो उस तो बाद चो जज साहब ने कहा भी तुसी एफीडेविट के उपर गल रखो, तो सानू भी कहा भी असी जिवें जो साड़ी पटीशन विच ग्राउंड है भी भाई अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त विच ने, तो असी भी आपदा एफीडेविट दईए, तो उस नाल जिन्ना भी साडा जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो सपोर्टिंग एविडेंस भी असी एक एप्लीकेशन ला के जो मानयोग अदालत अगे रखांगे, ते जो कल नू इस केस दी जो अगली सुनवाई रखी है जी 29 मार्च नू। तुसी फ्रंट ऑफिसर लगाउण दे क्या-क्या डॉक्यूमेंट दे सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो असी जो आदी एप्लीकेशन लाउणी है ते कल नू डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाणगे जी। हिंदी में कर लिए, हिंदी में। खरा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तनु बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं जिन्होंने जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे, और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो AG साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो, तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके या जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह तां इक्को इक राह, NRI मैरिज ब्यूरो। NRI मैरिज ब्यूरो, फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन।